असलम एवरी वन वेलकम बैक टू रिया टिफ़ा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो आज की वीडियो में आपसे रिव्यू शेयर कर रही हूँ सईद गनी के हेयर ग्रोथ वाटर का एज वी ऑल नो बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है बहुत ज़्यादा चल रहा है सो so, मैंने भी सोचा तो मैं इसका रिव्यू दूँ आपको तो ये है रिवाइटलाइजेस नरिशस हेयर एंड स्केल इसके बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं ये है कंट्रोल स्टैंडर्ड ट्रीट्स हेयर लॉस एंड एसिलटेट हेयर ग्रोथ नॉन क्रीसी है एंड एनविचिंग हेयर है असेंशियल बेनिफिट्स ओके नॉन क्रीसी मीन्स मतलब अगर आप वैन यू आर अप्लाइंग इट तो आपके हेयर्स को ग्रीसी नहीं करेगा uh, आपके हेयर्स सिल्की रहेंगे ग्रीसी नहीं रहेंगे और जो सबसे ज़्यादा इससे इशू रिजॉल्व होता है वो ये है कि इससे जो डेंड्रफ है वो बहुत ज़्यादा कम होती है तो ऑब्वियसली अगर आपकी डेंड्रफ़ कम है तो आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी डेंड्रफ की वजह से हमारे हेयर से बहुत ज़्यादा इशू होते हैं आपकी हेयर फॉल होती है और आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो डेंड्रफ को रिजॉल्व करता है तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है और आपका हेयर लॉस भी नहीं होता ये है कुछ इस तरह के स्प्रे में स्प्रे बॉटल है ठीक okay, तो है ओके इसमें डायरेक्शन टू यूज़ लिखा है इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम यूजिंग इट स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट टू सी हाउ योर हेयर रिस्पॉन्ड आफ्टर बाथ ड्राई योर हेयर एंड स्प्रे विद हेयर ग्रोथ वाटर अप्लाइंग इट एज रिक्वाइड ओके जब आपने नहा लिया है तो आप नहाने के बाद uh, इसको यूज़ करें इसको अप्लाई करें और अपने हेयर्स की आपके जो आपने इसको यूज़ कैसे करना है अपने स्कैल्प को ओपन करके अपनी स्कैल्प में इसको स्प्रे करना है क्योंकि अगर आप इसको स्कैल्प में लगाएंगे तो आपकी जो स्कैल्प में डेंड्रफ होगी और हेयर ग्रोथ का इशू ऑब्वियसली स्कैल्प से शुरू होता है आपका तो आपने वहाँ पर इसको स्प्रे करना है नहाने के बाद ओके okay, सो so, इसकी प्राइजेस की बात करते हैं इसके प्राइजेस राइट नाउ इसके जो प्राइस हैं वो हैं थ्री फिफ्टी एंड आई बॉट इट इन थ्री हंड्रेड इन सेल प्राइस सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने रिव्यू किया था हेयर ग्रोथ वाटर बाय सईद गनी चैनल को अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक like और शेयर करना ना भूलें थैंक्स फॉर हाफिज़